तो दोस्तों आज जो हम लोग 1400 रुपया लगाए थे दोस्तों, उसमें आज हम लोग को 18। दोस्तों हम लोग ला चुके हैं सारा सब्जी, देख सकते हैं। और पापा को एक बोतल पानी भी दे रहे हैं, प्यास नहीं लगेगा गर्मी का दिन, इसलिए चलिए पापा तक दे रखते हैं। दोस्तों आम खरीदे हैं दोस्तों, 32 रुपये किलो खरीदे हैं। आम का क्वालिटी बताए दोस्तों कैसा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सुबह का वक्त है, लगभग 6 बज रहा है, आप सभी का गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज बाजार जा रहे हैं दोस्तों, गोला सब्जी मंडी, सब्जी खरीद के लाएंगे दोस्तों। और पापा जाएंगे गांव गांव में घूम घूम के बेचने के लिए। दोस्तों ये बहुत गर्मी देता है, धूप देता है, इसलिए अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। और सब्जियों का रेट भी ऐसे बढ़ गया है, वहाँ बाजार में उतना बिकता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बाजार में खरीदेंगे, वही वाला घूम घूम के हम लोग बेचने के लिए जाएंगे। तो पापा जाएंगे बेचने के लिए दोस्तों, तो चलिए फिलहाल अभी बाजार चलते हैं, गोला सब्जी मंडी। दोस्तों बाहर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का गांव देखिए कितना मस्त मंदिर भी है, आप देख सकते हैं राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। और अभी जा रहे हैं दोस्तों, 2 किलोमीटर दूर होगा दोस्तों हम लोग का मंदिर, गोला सब्जी मंडी हम लोग का घर से। वो ये देखिए मुनगा का भी पेड़ है। चलिए दोस्तों फटाफट अब बाजार में मिलते हैं। भाई लोग बाजार पहुंच चुके हैं, अब साइकिल को खड़ा कर दिए हैं। अब चलिए कुछ कुछ सब्जियाँ लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कौन सा सब्जी ले पाते हैं और कितने रुपये का सब्जी आज लेते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से मंडी लगा है अभी सुबह का वक्त में। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ लेते हैं। अभी तो मिर्चा है, मिर्चा कैसे बोल रहे हैं भैया? मिर्चा नागिन मिर्चा। तो दोस्तों 35 रुपये किलो करेला बोहनी किया, देखते हैं कितना के जी होता है। चलिए दोस्तों 5 किलो करेला लिए हैं दोस्तों 35 रुपये। और कुछ कुछ चलिए लेते हैं, इधर इसको रख लेते हैं अपना जगह, अपना करेला रख रहे हैं अभी। रहा रहा देख सकते हैं क्वालिटी कैसा है दोस्तों, बताइए कमेंट। महंगा हो गया है तो अभी ज़्यादा सब्जी बिकता नहीं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कम ले रहे हैं, 5 किलो 6 किलो 10 किलो ऐसे कर कर। दोस्तों भाई के पास बोधी ले लिए हैं बरबट्टी 7 किलो ना भाई, 25 रुपये लिए, 30 रुपये खुदरा बेचेंगे। चलो भाई जला पकड़े तुम घरों, मस्त है दोस्तों, देख सकते हैं क्वालिटी। बताइए कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को बोधी का क्वालिटी? हम लोग बोधी बोलते हैं अपना भाषा में, झारखंडी भाषा में, बाकी कोई बरबट्टी भी बोलते हैं क्या भाई? दोस्तों हम लोग का बोधी खाली हो चुका है और भैया को पैसा भी दे दिया है। और भैया आप किधर से आए? रजरप्पा तरफ से आए भैया। दोस्तों जान मतलब वही जहाँ पर मंदिर है, बड़ा बड़ा नदी भी है ना भैया। चलिए दोस्तों अभी आइए भैया घर, हम भी और कुछ कुछ लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ कुछ लेते हैं। दोस्तों मनसा भैया का गाड़ी में आ चुके हैं पिकअप में, देख सकते हैं आप। और टमाटर आम भी है दोस्तों, देख सकते हैं 32 रुपये किलो लिए, 40 रुपये बेचना है क्योंकि मेरठ समय था, तो 32 लिए हैं, यानी कि 33-34 रुपये अपना खुद का पड़ जाएगा, 5 रुपये मार्जिन रख के बेच देना है। देखते हैं आज एक कैरेट बेच पाते हैं कि नहीं आम पहली बार। तो दोस्तों सारा सब्जी खरीद चुके हैं दोस्तों, और आज जो है लगभग 1410 रुपये का सब्जी खरीदे हैं, जिसमें देख सकते हैं आप क्या क्या खरीदे हैं। आम खरीदे हैं दोस्तों 32 रुपये किलो खरीदे हैं। आम का क्वालिटी बताए दोस्तों कैसा। और बरबट्टी खरीदे हैं दोस्तों 25 रुपये किलो, तोरई खरीदे हैं दोस्तों 22 रुपये किलो, नेनवा खरीदे हैं 25 रुपये किलो, करेला खरीदे 35 रुपये किलो, यानी 1440 रुपये का सब्जी खरीदे हैं दोस्तों। और घर में भी कुछ कुछ सब्जियाँ बचा है दोस्तों, यानी कि उसमें टमाटर बचा है घर में और प्याज भी बचा हुआ है और आलू। चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं, अपना साइकिल में लोड करेंगे और घर चलते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों अपना लोड हो गया है। और इधर देखिए अचारी हम काटा जा रहा है अभी, गर्मी का सीजन में अचार मस्त बनेगा। चलिए दोस्तों अपना घर चलते हैं, बेचने के लिए जाएंगे। दोस्तों कुछ दूर आ चुके हैं और पसीना पसीना पूरा हो गए हैं। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और पसीना से पूरा भींग गए हैं। पापा उतारिए फटाफट आप साइकिल से, और पापा जाएंगे दोस्तों बेचने के लिए, वही लगभग 2 से 2:30 बजे हम लोग दोपहर में जाते हैं बेचने के लिए, और रात 8:30 बजे 9 बजे तक आते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी उतार के रखते हैं सारा सब्जी। दोस्तों हम लोग अपना सारा सब्जी उतार चुके हैं। दोस्तों दोपहर का 2 बज चुका है और पापा तैयार हो रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। और देखिए अभी झींगी हम लोग ला देंगे, कहा पापा गर्मी में झोला जाइएगा ना, तो गर्मी है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग बाजार अभी नहीं जा रहे हैं, पापा को थोड़ा थोड़ा ले देते हैं, वही वाला पापा जाएंगे बेचने के लिए, गांव गांव में घूम के बेचेंगे।
दोस्तों आप लोगों को तो पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम लोग कितना का सब्जी खरीदे हैं। देखते हैं पापा आप कितना का सब्जी बेच के लाते हैं। रात 8 बजे आएंगे। कितना बजे पापा आने? 8 बजे। रात 8 बजे आइएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है रोड में दोस्तों। रात को 8 बजे आता है पापा का, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है रोड में। तो पापा को बोलते हैं साइड में आने के लिए। क्या साइड में आइएगा पापा। है दोस्तों हम लोग ला चुके हैं सारा सब्जी, देख सकते हैं आप। और पापा को एक बोतल पानी भी दे रहे हैं, प्यास नहीं लगेगा गर्मी का दिन इसलिए। चलिए पापा तो दे रखते हैं। और देखते हैं पापा आज कितना का बेच के लाते हैं। पूंजी तो लगाए हैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही। पापा ठीक से जाइएगा ना साइड साइड में, जाइए पापा बेच के आइएगा। चलिए घर की ओर चलते हैं। हम लोग का सोमरा सोमरी मांगरा मंगरी सब बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। अभी इन लोग का 4 बजे खोलेंगे, चराने के लिए ले जाएंगे। अभी गर्मी का दिन है इसलिए इन लोग को खुद के रखे हैं। नहीं खुद के रखने से क्या होता है, कुत्ता उत्ता आके काट के ले चल जाता है। बकरा था उसको काट दिया था कुत्ता, इसलिए खुद खुद के हम लोग को रखना पड़ता है बांध बांध के। दोस्तों रात का 8 बज चुका है, पापा सब्जी बेच के आ चुके हैं और हम झोला अभी निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि पापा जो है 1400 रुपया का हम लोग पूंजी लगाए हैं, आज कितने रुपए का पापा बेच के लाए हैं, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि गांव में जो सब्जी बेचने वाला कितना मार्जिन रख के बेचता है और कितना प्रॉफिट होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टमाटर बचा हुआ है थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, अदरक बचा है दोस्तों 100 पीस। नींबू देखिए दोस्तों तो थोड़ा सा बचा हुआ है। पापा देखिए कुरकुरे भी लाए हैं, और इधर देखिए आलू बचा हुआ है थोड़ा सा, प्याज बचा हुआ है, और इधर मिर्चा बच गया है वही। और माँ देखिए इधर पैसा गिर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट गिनते हैं। और आम भी बचा हुआ है दोस्तों थोड़ा सा, आम भी बच्चे देखिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 3 किलो होगा आम, 3 किलो 22 किलो में 3 किलो आम यहाँ पर है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग पैसा गिन रहे हैं अब, और हम लोग का घर छोटा है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। जहाँ पर खाते हैं वहीं पर हम लोग को पैसा भी गिनना पड़ता है, और सारा सामान भी हम लोग को वहीं पर रखना पड़ता है वही रूम में। तो बड़ा दिक्कत है थोड़ा। कहा पापा छोटा घर हम लोग का है, तो उसी में खाना भी है, उसी में सारा सब्जी बचा रहता है उसको भी रखना है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है क्या माँ। तो माँ अभी गिन रहे हैं दोस्तों। पापा बेचे ना, कैसे किलो आम बेचे? 40 का 30 रुपए बेच दिए, 40 रुपए बेचे ना, बिलाती 20 रुपए बेचे ना। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों पैसा गिन रहे हैं, माँ गिन रहे हैं। यहाँ पर कितना है गिनने दीजिए हमको, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोस्तों आज जो हम लोग 1400 रुपया लगाए थे दोस्तों, उसमें आज हम लोग को 1800 रुपया फायदा हुआ है दोस्तों, यानी 4 रुपया फायदा हुआ है। लगता है पापा ज्यादा रेट में बेचे ना पापा, है ना। तो दोस्तों चलिए अच्छी बात है कि कम पैसा लगा। 4 दिन में मिला रेट। हाँ, 4 दिन में बात हुआ ना, 1400 में 1800 रुपया। 4 दिन में 400 रुपया हो रहा है। तो कोटा में चावल मिल रहा है, बोला खाइए मस्त रही क्या दो। माँ बोल रहे 4 दिन में हम लोग का 400 है, तो कोटा में तो चावल मिलता है, मस्त खाइए रहिए गर्मी में। दोस्तों फाइनली जो है आज 1400 का सब्जी बेचने पर हम लोग का जो है आज 1800 रुपया फायदा हुआ है, 1800 रुपया हुआ है दोस्तों, यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 400 रुपया फायदा हुआ है क्या पापा। तब हम लोग मुकेश अंबानी बनेंगे ना, बड़ा आदमी बनेगा, 4 चक्का लगेगा, और आप लोग ले जाएंगे घुमाने के लिए। दोस्तों आम का पैसा बाकी है दोस्तों, उधार लिए आम का पैसा देना है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आशा करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज कमेंट में बताएं दोस्तों कैसा आया, अपना सुझाव और राय दे सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जोहार, बाय 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 दोस्तों।